अगर एक सुंदर शरीर का मालिक बनना चाहते हैं, नॉर्मल या प्रोफेशनल बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने लाइफ में 5 चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा और इन 5 टिप्स को फॉलो करके डेफिनेटली आप एक सुंदर शरीर का मालिक बन पाएंगे। कहीं ना कहीं इन्हीं 5 टिप्स का कॉम्बिनेशन की वजह से आज बड़े बड़े बॉडी बिल्डर बने हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। मैं हूं एडियल और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एडियल डिफेंस किट। पॉइंट नंबर 1, जब आप जिम जाते हैं तो आपको रेप रेंज पर विशेष ध्यान रखना है। अब रेप रेंज की मैं बात करूं तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 के बीच में जो है आपका एक प्रोफेशनल रेप रेंज माना जाता है। अगर 12 से ज़्यादा और 12 से कम लगाते हैं तो दोनों ही स्थिति में आपका वेट कम या ज़्यादा है। जी हाँ, अगर 12 से ज़्यादा रेप्स आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वज़न आप लिए हैं वो हल्का वज़न है, आपको वज़न बढ़ाने की आवश्यकता है। या अगर 10 से कम लगा रहे हैं तो आपको अपना वज़न कम करने की आवश्यकता है। जी हाँ, आप इतना वज़न लें कि आपका हाथ पैर काँपने लगे मैक्सिमम 12 रेप्स लगाते लगाते, ठीक है। इससे आपका बॉडी जल्दी गेन होगा और आपका बॉडी दिखेगा, राइट। अब जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना है। सप्ताह के 7 दिन में अलग अलग पार्ट पे अलग अलग डे में आपको करना है। जैसे एक दिन आपने चेस्ट का किया तो दूसरे दिन वेक का, तीसरे दिन शोल्डर का। इस हिसाब से अगर आप कॉम्बिनेशन बना के सप्ताह के 7 दिन में 7 पार्ट पे आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपका कम दिनों में बॉडी बन पाएगा। अगर एक ही दिन आप शरीर के सभी पार्ट को ट्रेंड करते हैं, इससे आपका बॉडी नहीं बनेगा। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि आपको अपने डाइट पर विशेष ध्यान देना है। जी हाँ, बॉडी आपकी तभी बनेगी जब आप प्रॉपर डाइट लेंगे और प्रोटीन का मात्रा ज्यादा होना चाहिए। आपका जितना वेट है उससे डबल आपका प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपका 70 किलो वेट है तो 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक सुंदर बॉडी बनाने के लिए, राइट। अब जो चौथी बात आती है वो ये आती है कि आपको प्रॉपर नींद लेना है। जी हाँ, चाहे आप जिम में जितना भी एक्सरसाइज कर ले उससे बॉडी नहीं बनने वाला है, ठीक है। बॉडी तो आपका घर पे और वेट पर ही बनेगा, ठीक है। दरअसल बात ऐसा है कि जिम में जाते हैं आप अपने बॉडी को तोड़ने के लिए और वहाँ पे आपका बॉडी सही हिसाब से टूट जाता है, ठीक है। और जब आके आप डाइट लेते हैं और रेस्ट करते हैं तो फिर से आपका मसल्स जुटता है और टूटता है और जुटता है। ऐसी स्थिति में कुछ दिनों के बाद आपका मसल्स उभरता है और निकलता है, गेन होता है, राइट। इसलिए आपको जो है नींद जो है वो एकदम प्रॉपर लेना है और टाइम पर नींद लेना है, और डाइट और नींद और सारे वर्क आपको टाइम पर करना है, ठीक है। पांचवी एंड जो लास्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी शरीर के एक पार्ट पर ध्यान नहीं देना है बल्कि शरीर के सभी पार्ट पे आपको ध्यान देना है, राइट। अगर ओवरऑल शरीर का आपका विकास होगा तभी आप एक सुंदर शरीर का मालिक बन पाएंगे। इसलिए आपको जो है अपना बाइसेप, ट्राइसेप, वेक, शोल्डर, चेस्ट, सिक्स पैक, एब्स एंड लेग्स, इन सभी पार्ट पे आपको जो है प्रॉपर ध्यान देना है और पूरे शरीर का सभी पार्ट को आपको सही हिसाब से और सही टाइम से सही रेफरेंस करना है, तब जाके आप एक सुंदर शरीर का मालिक बन पाएंगे। तो आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और किसी भी तरह की पर्सनली जानकारी जानना चाहते हैं, आपकी बॉडी नहीं लग रही है एक्सरसाइज और डाइट लेने के बाद, तो आप मुझे इंस्टाग्राम एडियल पांडे पर जाके फॉलो करें और अपनी क्वेश्चन रखें। मैं प्रयास करूंगी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।